युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का हंगामा, शव सड़क पर रखकर घंटों किया चक्का जाम। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में संदिग्ध अवस्था में मिले शव को सड़क पर रखकर परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। अभी तक चले चक्का जाम के दौरान बिलासपुर शिवरी नारायण मार्ग बाधित रहा, वहीं सड़क पर मृतक के परिजनों का हंगामा देखने को मिला। दरअसल पामगढ़ थाना क्षेत्र के डोंगा कोवरोद निवासी सत्यनारायण सूर्यवंशी की मौत कल देर रात हुई थी। मृतक की शव सड़क पर पड़ी थी, जिसे सूचना मिलने पर पुलिस ने पामगढ़ हॉस्पिटल में रखवा दिया और परिजनों को सूचना दी। सुबह जब परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तब मौत को संदिग्ध मानकर पुलिस को हत्या का जुर्म दर्ज करने की मांग करने लगे। बात नहीं बनी तो शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद पोस्टमार्टम के लिए परिजन राजी हुए और चक्का जाम समाप्त किया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। मामला सिर्फ इतना है, ये लाश लड़ाई झगड़ा हुआ, ये लाश यहाँ पहुँची कैसे, बस हमको इतना ही जानना है। कौन पहुँचाया, कहाँ से आया, ये हमको जानकारी चाहिए। हमारे गाड़ी में खरोच नहीं आई, एक्सीडेंट का केस बताया जा रहा है, कोई हमारे गाड़ी में खरोच नहीं आया। उसके गाड़ी में दोनों चप्पल, दो बॉटल दारू और दो अंडे उसके गाड़ी के डिक्की में डाल दिया गया है। इसी कारण से हम चक्का जाम किए, इसकी हमको जानकारी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो लोग ऐसा किया उसको पुलिस तत्काल पकड़े और उसको सजा दे, और हमको कुछ नहीं चाहिए। जो भी किया हो, क्या नाम लिखते हैं? मैं सरस्वती सूर्यवंशी लिखती हूँ। यात्री 108 एम्बुलेंस के माध्यम से एक आहत व्यक्ति को, जिसका नाम बाद में सत्तू सत्यनारायण सूर्यवंशी निवासी डोंगा कहरौत का पता चला है, उसको यहाँ पे रात्रि के लगभग 12:30 बजे पामगढ़ हॉस्पिटल में लाके दाखिल किया गया था, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित किया। उसकी पंचनामा, उसकी सूचना मिलने पर पामगढ़ पुलिस के द्वारा आज सुबह पंचनामा कार्रवाई की गई। पंचनामा के पश्चात उनके वारिसान और उनके रिश्तेदारान आकर कुछ आपत्ति दर्ज किए कि इनकी सड़क दुर्घटना से मृत्यु नहीं हुई है, इनकी हत्या की गई है। तो उसी हत्या का शंका जाहिर करते हुए इन्होंने लाश का पोस्टमार्टम कराने से रोक के रखा और शव को रोड में लाकर चक्का जाम कर दिया। परिजन लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी उन लोग ने एक लिखित शिकायत किया है, जिसमें कुछ लोग का नाम दिया है, संदेह किया है कि फला फला के द्वारा हत्या किया गया है। तो हमने अपनी टीम रवाना कर दिया है उन संदेहों को तलाश करने और उनको पकड़ धकड़ करने के लिए। और अभी जैसे चक्का जाम हटता है वैसे शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उधर दूसरी तरफ से संदेहों को पकड़ के भी लाया जाएगा, पूछताछ होगी, घटनास्थल का निरीक्षण होगा और जो सच्चाई पाया जाएगा, जो सबूत पाया जाएगा, उस आधार पे पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए कृष्णा टंडन की रिपोर्ट।